गुड मॉर्निंग दोस्तों, कार शो विद विनय में आपका स्वागत है एक बार फिर। मैं फ्रंटियर किया से विनय मल्होत्रा आपके साथ हूं। आज हम बात करेंगे किया सोनट एसटी के ऑप्शनल पैक जो 1 अप्रैल को लॉन्च हुआ है। ये आप देख रहे हैं क्लियर वाइट कलर सोनट एसटी के ऑप्शनल पैक और ये न्यूली लॉन्च मॉडल है और सेगमेंट में दिस द फर्स्ट टाइम जो इसके अंदर इस प्राइस में और इस सेगमेंट में फर्स्ट टाइम इसके अंदर सनरूफ दिया गया है और ऑटो एसी दिया गया है। तो फ्रंट लुक आप देख रहे हैं, स्टार एलईडी हेडलैम्प है, हैलोजन हेडलैम्प है, इसको आप वाइट एलईडी हेडलैम्प करवा सकते हैं। किया जेन्युइन एसेसरी में 45 वाट्स का इसमें हेडलैम्प्स बल्ब आते हैं, वो आप चेंज करवा सकते हैं। एंड पार्किंग सेंसर इसमें स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। न्यू वाइल्ड लुक है इसका, आप देख रहे हैं इसका न्यू किया लोगो के साथ। और फ्रंट 4 पार्किंग सेंसर है, 16 इंची टायर आ रहे हैं इसमें, ट्यूबलेस टायर हैं एंड इसमें अलॉय नहीं आते हैं। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक आती है इसमें और आप देख रहे हैं इसमें व्हील कवर, इसे लुक लाइक अलॉय व्हील बट इट्स नॉट ए अलॉय व्हील। ओवरवेव इंडिकेटर आपको नहीं मिलेंगे इसमें। एंड एंट्रेंस में अगर आप देखेंगे तो इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल है, आपके बॉडी कलर डोर हैंडल के साथ आपका बैक लुक एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप है आपका, ये आप देख रहे हैं एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप। और डिफॉगर भी इसमें मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना, ये स्टैंडर्ड हो गया इसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपकी प्राइवेसी के लिए इसके अंदर आपके सन कर्टन भी दिए गए हैं रियर विंडो, रियर आपके कंपार्टमेंट में दोनों तरफ। और रियर एसी इसमें स्टैंडर्ड है, आप रियर एसी डक्स दे रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग यूनिट। और ये फ्रंट लुक, फ्रंट कॉकपिट का लुक है आप देख रहे हैं इसमें। सोनट एसटी के ऑप्शनल पैक है, ऑटो एसी के साथ, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ आ रही है ये गाड़ी। और 1.2 लीटर इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 5 ईयर ट्रांसमिशन है। आइए अंदर से देखते हैं गाड़ी को, इसमें किया इंडिया ने क्या स्पेशल आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो आप देखें, पियानो ग्रे इंटीरियर मिल रहा है इसमें विद मैनुअल सीटिंग है इसमें, इसको आपको पंप करना पड़ेगा अप एंड डाउन करने के लिए। चारों पावर विंडोज मिल रही हैं, सेंटर लॉकिंग है इसमें, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर है, फोल्डेबल मिरर नहीं है, आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। और विंडो लॉक भी इसमें मिल रहा है। और ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आप देख रहे हैं इसमें, जिस ट्रैक्शन कंट्रोल ये आपको रेनी सीजन में काम आएगा, ब्रेकिंग स्ट्रांग हो जाती है इससे। पार्किंग सेंसर इसमें मिल रहे हैं आपको और ये जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो बीप करना शुरू कर देगा और इसको ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और ये है एंटी कट इग्निशन, BS 6.2 की गाड़ी है, तो आपको न्यू इंजन के साथ, न्यू पोल्यूशन नॉर्म के साथ आपको BS 6.2 की गाड़ी आपको मिल रही है। एक आइडल स्पीड पे आ गया, रेड लाइट पे इस इंजन को स्टॉप कर सकते हैं, ब्लोअर चलता रहेगा, आप चाहें तो कंटिन्यू इंजन चलता रहे तो इसको ऑफ कर सकते हैं। ये हेडलैम्प आपका एडजस्टेबल विजन है। और ये फ्रंट हम बात करेंगे तो इसका, ये गाड़ी का फ्रंट क्लस्टर है, डिजिटल क्लस्टर इसमें आप देख रहे हैं। इसमें बैटरी चेक है, ऑयल चेक है, मैल फंक्शनिंग है, सीट बेल्ट का वार्निंग लैम्प दिखा रहा है आपको, हैंड ब्रेक का वार्निंग लैम्प दिखा रहा है। और सेटिंग में बात करेंगे इसमें तो टायर प्रेशर चेक स्टैंडर्ड है, ट्रिप ए ट्रिप बी इसमें स्टैंडर्ड है, इसमें टायर प्रेशर चेक मिल रहा है इसमें आपको। और ये आपका ड्राइवर असिस्टेंस है, आप इसको सेट कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो इसमें आपको बुक में जाना पड़ेगा इसके, और इसको ये आप देख रहे हैं इसमें यहाँ से ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा और यहाँ से इसको आप ओके करेंगे तो आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए लाइट इसमें देखेंगे, इसमें लाइट कैसे, इल्यूमिनेशन लाइट को सेट करना है। और इसको हम इल्यूमिनेशन लाइट को अगर हम देखें तो इस टाइम ये लो एंड हाई इसको कर सकते हैं आप। फिर बैक में जाके हम दूसरी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, डोर सी ऑटो लॉक या मैनुअल लॉक करना है तो ऑटो पे रखेंगे इसको ओके। बैक जाएंगे फिर इसके कन्वीनियंस पैक है इसमें, इसमें आपको जो दिखा रहा है आपको वाइपर लाइट डिस्प्ले वगैरह समथिंग दिखा रहा है तो वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको ओके किया अभी। और आईसी रोड के लिए इसमें वार्निंग है, उसको भी आपने ओके किया है। सर्विस इंटरवल के लिए आपको एवरी टेन थाउजेंड का सर्विस शेड्यूल है, लेकिन फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पर है तो उसको भी हम ओके कर देते हैं कि हमें अलर्ट मिलता रहे सर्विस का। और ये आप देख रहे हैं राइट साइड में आपको ये हीटिंग का दिखा रहा है आपका, मैक्सिमम जो है हाफ यहाँ पर हीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्यूल टैंक 50 लीटर का है इसका, तो ये फ्यूल टैंक आपको दिखा रहा है। और लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर है। माइलेज के लिए आपको 100 स्पीड 3000 आरपीएम पे चलेंगे तो 1500 की माइलेज आराम से इसमें मिलेगी आपको। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करेंगे तो स्टीयरिंग कंट्रोल में आपको ये आपको मैंने अभी बताया आपको, सामने डैशबोर्ड सेटिंग है, ट्रिप ए ट्रिप बी और टायर प्रेशर चेक के लिए। और यहाँ पर आपका वॉइस कमांड आ जाएगा, वॉइस कमांड से आप ऑपरेट FM रेडियो एंड सनरूफ को कर सकते हैं। मोड जो है यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, आप मोड चेक कर सकते हैं इसमें। और स्टार जो दिखा रहा है ये FM रेडियो, कोई भी बैंड सेलेक्ट कर दें तो वहाँ पर आप स्टार से लॉक कर सकते हैं। ब्लूटूथ इसमें स्टैंडर्ड है तो आप फ़ोन को भी कनेक्ट ब्लूटूथ से कर सकते हैं। और ये है आपका डिजिटल, आपका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, जिसके अंदर फंक्शन जो है आपको फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, DRM, क्वाइट मोड सेटिंग में आप जा सकते हैं। और आपको एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड, USB पोर्ट इसमें स्टैंडर्ड मिल रहा है इसमें।
सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं इसमें कि डिवाइस कनेक्शन ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, बटन, क्लाइमेट एसी और समथिंग, और ऑटो एसी स्टैंडर्ड मिल रहा है आपको, रियर एंड फ्रंट डिफॉगर भी मिल रहा है इसमें आपको, वेंटिलेशन के लिए है आपका, ये ऑफ कर सकते हैं एसी यहां से, ऑटो एसी है यहां पर, ऑटो पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फैन का ब्लोअर का स्पीड आप यहां से माइनस प्लस कर सकते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग इसमें मिल रहा है आपको, यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, साथ में मोबाइल चार्जिंग यूनिट, एंड 5 गियर ट्रांसमिशन है, एक रिवर्स है, 6 गियर है, तो 1.2 लीटर इंजन 84 पीएस के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ये कप होल्डर मिल रहा है आपको, 6 एयर बैग आप स्टैंडर्ड हो गए हैं, 6 एयर बैग में आपको 2 फ्रंट में एयर बैग मिलेंगे आपको डैशबोर्ड में, और 2 ड्राइवर को ड्राइवर सीट में मिलेंगे, और 2 कर्टन आपको पीछे के लिए मिलेंगे। सनग्लास होल्डर इसमें स्टैंडर्ड मिल रहा है आपको, पूरा वैल्यू फॉर मनी पैकेज जो डिज़ाइन किया है। इस टाइम मार्केट में अगर बात करें प्रोडक्ट में, तो आप टाटा नेक्सॉन से कंपेयर कर सकते हैं, हुंडई वेन्यू से, एक्सयूवी 300 से, बट इज़ अ मोर सुपीरियर कार अगर मैं बात करूँ सेगमेंट में। वैल्यू फॉर मनी 9,24,000 में आपको एक शोरूम प्राइस में आपको कोई भी मैनुफैक्चर इतना फीचर नहीं देगा जो किया इंडिया। किया इंडिया ऑलवेज ही कस्टमर के व्यूज़ एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी को डिज़ाइन करता है, एंड किया इंडिया का प्लानिंग अगर मैं बात करूँ तो प्लानिंग इज़ द बेस्ट एज ऑन इंडस्ट्री, और प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनका प्लानिंग इज़ अ वेरी सुपीरियर। लाइक अगर मैं मार्केट की बात करूँ, प्रोडक्ट की बात करूँ, तो यूएसपी ऑफ किया इंडिया इज़ द प्रोडक्ट फीचर एंड सेफ्टी इज़ द फर्स्ट, एंड ऑलवेज ही इंस्पायरिंग पीपल, इंस्पायरिंग कॉम्पिटिशन को इंस्पायर करते हैं कि देखिए हम लोग प्रोडक्ट में जो चीज़ें दे रहे हैं वो एक वर्थ है, कस्टमर जब पैसा इतना स्पेंड करता है तो उसको वर्थ भी उसका मिलना चाहिए। तो 4 स्पीकर इसमें स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, किया इंडिया का जो है म्यूजिक सिस्टम इसमें, किया का म्यूजिक सिस्टम है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ मिल रहा है, सोनेट एसटीके ऑप्शनल पैक है, विद सनरूफ आ रहा है ये गाड़ी, तो इसको मिस ना करें, आज ही बुक करें, गाड़ी वेटिंग पे है, कम से कम 1 महीना आपको लगेगा। कलर सिलेक्शन 8 कलर इसमें आ रहे हैं, और अगर आप चॉइस नहीं रखते तो ऑलवेज ही 2 कलर की चॉइस इसमें लेके चलें, क्योंकि आप सिंगल 1 कलर करेंगे तो माइट बी पॉसिबल वो आपको ना मिले। व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, व्हील बेस आप देखेंगे फ्रंट टायर तो रियर टायर का व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, 2500 mm का व्हील बेस है, जिससे आपको लेग स्पेस अंदर पीछे अच्छा मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें 385 लीटर का बूट स्पेस है इसका, और रियर डिफॉगर इसमें मिल रहा है आपको, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल इसमें लगे हुए हैं। सर्विस मेंटेनेंस की बात करें तो सर्विस मेंटेनेंस इसकी वेरी इकोनॉमिकल, 5 से 6 हज़ार रुपये की सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, एज ऑन कॉम्पिटिशन ऑटो कार ने भी लास्ट ईयर डिक्लेयर किया है इज़ अ मोर इकोनॉमिकल कार, और एज ऑन सर्विस एवरी 10,000 का सर्विस शेड्यूल है, एवरी 10,000 का सर्विस शेड्यूल में आपका ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज होंगे। उसकी कॉस्टिंग भी मैंने अपने ब्लॉग में डाल रखा है, तो आप स्पेयर पार्ट कॉस्ट भी देख सकते हैं, और नेक्स्ट मैं जो वीडियो बनाऊंगा अपने वर्कशॉप में बनाऊंगा, फ्रंटियर किया की गुड़गांव वर्कशॉप में, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी का स्पेयर पार्ट का क्या कॉस्ट है, लेबर का क्या कॉस्ट है, एंड स्पेयर पार्ट में कितना इकोनॉमिकल है एज़ पर कॉम्पिटिशन। और वारंटी की बात करेंगे तो गाड़ी की वारंटी 3 साल, अनलिमिटेड किलोमीटर की इंजन वारंटी मिल रही है आपको, और ऑप्शनल वारंटी 19,771 रुपये की आप ले सकते हैं, 2 साल प्लस हो जाएंगे, 3+2 अनलिमिटेड, एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और 100% फंडिंग भी सब्जेक्ट टू योर सिविल स्कोर, 745 से ऊपर होना चाहिए, इनकम के अंदर कोई ऑब्लिगेशन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लोन्स वगैरह सिविल आपका क्लियर होना चाहिए, और फाइनेंसिंग जो है मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज में हो जाता है। तो मैं आपका दोस्त कार शो विद विनय बने रहे, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड एंड फैमिली शेयर करें, आपके बेनिफिट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली आप मेरे को इनकरेज करेंगे तो और अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिसने मेरे हज़ार, आप सब लोगों ने मेरा 1,000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाया, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं, और आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार और प्रणाम, और कीप वॉचिंग कार शो विद विनय, नेक्स्ट शो में फिर दोबारा मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।